दिस इज़ न्यू वीडियो फॉर द चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द डिसीजन मेकर्स. हाउ डिसीजन मेकर्स मेक सम डिसीजन, हाउ दे टेक सम डिसीजन एंड आफ्टर दैट आवर इंस्टीट्यूट्स ट्राई टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन, ट्राई टू इम्प्लीमेंट टू मेक इम्प्लीमेंट इट थ्रू आउट द कंट्री. हियर वी सी द नेक्स्ट हेडिंग, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. यू सी हियर स्टूडेंट, वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स. कहा जा रहा है कि हम भी देख चुके हैं कि कैसे एक उदाहरण के माध्यम से गवर्नमेंट कैसे अपने लिए काम करती है. गवर्नमेंट अ कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटी, और जो गवर्निंग बॉडी होती है कंट्री की, उसमें बहुत सी एक्टिविटी भी इन्वॉल्व रहती हैं. एग्जांपल की बात की जाए, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन. गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर सिक्योरिटी फॉर द सिटीजन्स एंड आल्सो टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द यूथ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड आल्सो टू एवरी वन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी द रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशंस. जहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है देश में, हमारे हर एक चीज़ पर, हर एक काम के लिए टैक्स जो कलेक्ट होता है, जो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाती है, उस टैक्स के बल पर ही गवर्नमेंट चीज़ों को, डिफेंस और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करती है. इट फार्मूलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम. और फिर गवर्नमेंट बहुत से वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है. सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दिस एक्टिविटी. अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन. तो कुछ लोगों को है इस एक्टिविटी के बारे में क्या क्या डिसीजन लेना है, क्या बताना है. कुछ लोग उसको सोच के परेशान हैं और कुछ लोग उससे जो बेनिफिट है उस बेनिफिट्स को देखने में बिजी हैं. जैसे आप देख सकते हैं, आप अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन. जो उस डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसमें लगे हुए हैं. मीन्स कुछ लोग तो डिसीजन में एक्टिविटी क्या है, कैसे एक्टिविटी के लिए डिसीजन ले, उस पर लगे हैं, और कुछ लोग कैसे उसमें डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराया जाए. इफ डिस्प्यूट्स अराइज ऑन दिस डिसीजंस और इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, देयर शुड बी सम वन टू डिटरमिन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. और कभी कभी न्यू डिसीजन लेने के बाद क्या होता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है लोगों के बीच, गवर्नमेंट के बीच. तो उस कंडीशन में डिस्प्यूट को जो इम्प्लीमेंट करने का काम होता है, वहाँ पे एक डिटरमिन्ड माइंड होना चाहिए कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट Everyone should know who is responsible for doing that. मुझे लगता है कि it is also said here that to make the responsible authority of this work, who is responsible for doing that. It is also important that these activities keep taking place even if the person in key position changes. और फिर यहाँ पर इस चीज़ का भी मायने रखता है कि जो काम हुआ उसकी पोजीशन कहीं इन द फ्यूचर
कोई पोजीशन तो ना चेंज हो जाए, जो पर्सन उस जॉब पे काम करता था कई बार उसकी पोजीशन चेंज करके चेंज ना कर दिया जाए। सपोज दैट व्हेन अ गवर्नमेंट चेंजेज एट दैट टाइम द न्यू गवर्नमेंट ट्राई टू मेक इट अपोज एंड इट टेक्स न्यू न्यू ऑर्डर सो टू अटेंड टू ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी। इसलिए कहा जा रहा है कि जो थ्री टास्क जो भी दीज टास्क हैं इन टास्क को अटेंड करना है, कैसे सेवरल अरेंजमेंट्स जो भी है मॉडर्न डेमोक्रेसी में उस अरेंजमेंट्स को देखते हुए, जैसे कि सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। कोई भी अरेंजमेंट्स देश में कोई आर्डर आता है तो उसको इस तरह से नहीं लिया जा सकता है। टू मेंटेन द अरेंजमेंट टू इम्प्लीमेंट द अरेंजमेंट वी रिक्वायर्स ऑल द ग्रुप्स एंड हियर द वी हैव गवर्नमेंट हैव मेड मैनी इंस्टीट्यूशंस टू डू देयर पॉप वर्क पर्टिकुलरली। A democracy works well when these institutions perform functions assigned to them. और एक डेमोक्रेसी एक लोकतांत्रिक देश जो है वो अच्छे से काम करता है अगर उस इंस्टीट्यूशंस में प्लेटफॉर्म काफ़ी फंक्शनरीज होते हैं। असाइन टू देम द कॉन्स्टिट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर एंड फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री किसी भी देश की जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ये बेसिक रूल्स के ऊपर आधारित होती हैं और उसी के बल पर उसमें कुछ पावर और फंक्शन दिए गए रहते हैं, पावर्स और फंक्शन दिए गए रहते हैं ईच इंस्टीट्यूशन। इन द एग्जाम्पल एबव वी सॉ सेवरल सच इंस्टीट्यूशन एट वर्क, यू सी हियर थ्री एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर द इंस्टीट्यूशंस दैट टेक अ टॉल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। कोई भी डिसीजन बनाने के लिए उसकी रिस्पांसिबिलिटी, उसकी पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट की होती है, जो उसमें संस्था होती है वो सारी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन को लेती है। सेकेंड नंबर द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टूगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन। उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर के बाद जो दूसरी इंस्टीट्यूट्स होती है उसमें हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। इन सिविल सर्वेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वर्किंग टुगेदर करें, साथ काम करें और फिर कैसे जो भी गवर्नमेंट के द्वारा आर्डर आया हुआ है उसे इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, देश में लागू कैसे कराना है, इसके ऊपर भी लोग विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वी आर डिस्प्यूटेड बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। लास्ट में हमारे पास अभी आप सबसे पहले आपने लेजिस्लेचर को देखा, फिर एग्जीक्यूटिव को देख लिया और जुडिशरी को देखने जा रहे हैं। देखिए जुडिशरी में क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है इसमें इंस्टीट्यूशन जो हैं, संस्थाएँ जो हैं वो डिस्प्यूटेड बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और लोगों के बीच जो भी डिस्प्यूट रहता है उसको बहुत ही इजीली सुप्रीम कोर्ट उसको सेटल करने का काम करती है। दिस द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूट्स इन दिस एग्जांपल, व्हाट इज देयर रोल। ऐसे आप अपने कुछ और भी एग्जांपल्स को रोल मॉडल को लिख सकते हैं। जैसे आप इफ यू वांट टू डू इट After that, he will take it from a distance. Working with institutions is not easy. इंस्टीट्यूशन जितने भी देश को मेंटेन करने के लिए, विदेश की व्यवस्था को चलाने के लिए बनी हो, इतना आसान नहीं है।
क्योंकि इसमें इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें रूल्स रेगुलेशन इन्वॉल्व होते हैं एंड दिस कैन बाइंड द हैंड ऑफ लीडर, और इसीलिए हमारे देश के नेताओं के हाथ में बंधे रहते हैं। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स कमिटी एंड रूटीन एंड इंस्टीट्यूशंस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वॉल्व इन मीटिंग्स कमिटी एंड रूटीन्स ऑल द थ्री थिंग्स दे हैव। दे टेक मीटिंग एट पर्टिकुलर टाइम, दे हैव स्पेशल कमेटी, दे हैव रूटीन्स, सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल ऑफ देम टू सी दिज फंक्शंस। दिस ऑफ्टन कमिटीज एंड रूटीन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन, देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी ईजी एंड इट समटाइम लीड्स अस टूवर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड मैटर बिकॉज डीलिंग विद द इंस्टीट्यूशंस, डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी, इट मेक अस फ्रस्ट्रेट। वन माइट फील दैट इट इज मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजंस विदाउट एनी रूल्स।